नमस्ते गुरुकुलियंस, टुडे वी विल कंटिन्यू द लास्ट टॉपिक विच इज़ डेरिवेटिव एज मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज। ठीक है बेटा, तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आप जल्दी से बेटे कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। ओके, राइट डाउन सम मोर क्वेश्चंस। ओके, अच्छा आज का पहला क्वेश्चन बेटा, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग दी कर्व। आप लिखते रहें 6y = x³ + 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। सही है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। ठीक है बेटा, चेंज होना मतलब उसका डेरिवेटिव। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ए टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। सही है, तो बेटा क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लें आप। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट भले लेंथी है लेकिन क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ओके, तो मेरा कर्व है। ठीक है, कौन सा कर्व है? ये रहा, ऐसे मान लो कोई भी कर्व है, ये है ना, मान लो ऐसा कर्व है। ठीक है, और एक पॉइंट इस पर मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। ओके, सही है बेटा, मेरा कर्व कौन सा है? 6y = x³ + 2। ठीक है, फाइंड दी पॉइंट्स, इस कर्व पे पॉइंट निकालने हैं एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। मतलब y कोऑर्डिनेट का है ना रेट ऑफ चेंज क्या होगा बेटा? dy/dt इज a times एज फास्ट एज दी एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज एक्स के, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज यानी कि dx/dt से, ठीक है, 8 times से ज़्यादा है बेटा ये। ओके, तो हमें करना क्या है इसमें, जस्ट इसका यूज़ करना है। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा बेटा? 3x² dx/dt। ये बात सही है, बस आपको बेटा क्या करना है, इसका यूज़ करना है। यहाँ पर कितना बन जाएगा? 8dx/dt, 3x² dx/dt। ओके, तो क्या होगा बेटा, ये मेरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से आप लिख लें, हाँ भी क्या बच जाएगा? x² सही है। ये कितना बन गया बेटा? 3 से डिवाइड होगा, क्या बन जाएगा? 16। तो मेरा x क्या बन गया भाई? ±4। सही है, x क्या बन गया मेरा? ±4। सही है, तो ध्यान रखें आप, पॉइंट निकालना बेटा है ना। पॉइंट पूरा कब बनेगा? जब मुझे एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ओके, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है? वाई कोऑर्डिनेट। 6y = x³ + 2। ठीक है, अगर तो x है 4 तो क्या बन जाएगा बेटा? ये 4 का आप क्यूब कर देना, 64 + 2 है ना, कितना बन गया अभी? 66। तो y कितना आ गया? 11। इफ x = -4, ठीक है, -64 + 2 -62। ओके, तो y क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा भाई? -31/3। सही है, आप लिख ले कहीं पे, हैंस चलो, अब तो क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। हैंस दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर बेटा, पॉइंट कौन कौन से बने हुए आपको? एक्स क्या है? 4 और वाई क्या है? 11। एंड एक्स क्या है? -4 - 31/3। ओके, आप इसे नोट कर लें, इन पॉइंट पर कैसा होगा मेरा वाई कोऑर्डिनेट? ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट से के रेट ऑफ चेंज से क्या होगा? 8 times होगा। ओके, ओके बेटा,
राइट डाउन। अच्छा बेटा, जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा आपको, ठीक है, वो बड़े आसान है और आप खुद ट्राई करें। आप लिखें, सैंड इज परिंग फ्रॉम ए पाइप, फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। ठीक है बेटा, देखो क्या हो रहा है, एक पाइप से आपके पास है ना, नीचे क्या हो रहा है, एक रेत आ रही है ना, तो पाइप से मैंने क्या किया, सैंड को गिराना शुरू किया। अब जैसे ही बेटे पाइप से सैंड, आप देखना कभी है ना, आप इसे प्रैक्टिकल करना कभी, ओके, तो वो ऑटोमेटिक करेगा, एक कोन का शेप ले लेगा, है ना। आप ऊपर से मिट्टी या कुछ भी गिराएं तो नीचे कच्चा होगा बेटा, वो ऑटोमेटिक होगा, तो कोन की शेप ले लेगा, सही है, फॉर्म से कोन। ऑन द ग्राउंड इन such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base, सही है। How fast is the height of the sand cone increasing? आप जल्दी लिख लें बेटा, how fast is the height of the sand cone increasing? When the height is 4 centimeter, okay? तो भाई बड़ा ध्यान से पढ़ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देख के आपको शायद लेंथ ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुनना बेटे बड़े ध्यान से, रेत गिर रही है बेटा, है ना, रेत या मिट्टी जो भी है, तो ऑटोमेटिक कोन की शेप ले लेगी, है ना। उस कोन में क्या होगा, ऐसा कोन बन जाएगा ऊपर से, है ना। तो रेडियस क्या मान ले, हाइट आर मान ले, हाइट क्या मान ले, एच। आप लिखेंगे लेट वी बी द वॉल्यूम, आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट ऑफ द सैंड कोन, सही है। आप लिख कर करके आए, यहाँ तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना, लेकिन आप एग्जाम में साइन को लिखें कि एच क्या है, आर क्या है, ओके। अब सुनना बड़े ध्यान से, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, है ना। हाइट क्या बेटा, 1/6 है इसका रेडियस का, ठीक है। जो सैंड गिर रही है ना, सैंड जो है वो स्पीड से गिर रही है। अब हर सेकंड में जितनी रेत अगर गिरेगा, उतना क्या होगा, वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, सही है। यानी बेटा ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, हर सेकंड इतना रेत अगर गिरेगा, इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सही है। आप लिखें, यानी ये क्या हुआ मेरा, डीवी बाय, यहाँ लिख लें, क्या हुआ, डीवी बाय डीटी, ये बात सही है। कितना बन रहा है बेटा ये, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। मुझे निकालना है डी एच बाय डी टी, हाइट का रेट ऑफ चेंज कब, अगर मेरी हाइट कितनी हो जाए, 4 सेंटीमीटर, सही है। अगर मेरी हाइट क्या हो जाए, 4 सेंटीमीटर, तो बेटे पहले तो आप यूनिट चेक कर ले करो, है ना, मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या गिवन है, एक सेंटीमीटर में है, एक मीटर में है, तो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे पहले, है ना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे। वॉल्यूम क्या है मेरा, ध्यान से पढ़ें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब मुझे निकालना है डी एच बाई डी टी, तो मुझे कहीं ना कहीं से, है ना, हर टर्म को एच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एच में। तो भाई ये तो बड़ा आसान है, आर स्क्वायर, बेटे आर क्या बन जाएगा, 6H, मेरा आर क्या बन जाएगा भाई, कितना बन गया बेटा ये,
36 एच स्क्वायर और बेटा क्या बन गया ये एच, सही है। तो भाई ठीक है बेटा करो कितना बन जाएगा 12 पाई एच क्यूब है ना, 12 पे कट गया ना बेटा ये 12 पाई एच क्यूब सही है। फिर डी वी बाई डी टी आई होप कि आपको पूछ रहा होगा कितना बन जाएगा बेटा ये 36 पाई एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, टाइम की बात चल रही है बेटा, हर सेकंड इतना चेंज आएगा, इतना घट जाएगा बढ़ जाएगा, टाइम की बात चल रही है। बेटा स्टेटमेंट साथ साथ ही आप नोट करते रहें, ओके स्टेटमेंट सॉल्यूशन मैं जो भी बोर्ड पर लिखवाता हूं आप उसे लिखते रहें, आपके नोट्स तो वैसे तैयार हो जाएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट को। अच्छा कितना बन गया था बेटा ये 12 पाई एच क्यू 36 पाई एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी है ना, ये कितना बेटा 12 सही है इज इक्वल टू 36 पाई। बेटा अगर पाई किससे कैंसिल नहीं हो रहा तो पाई आंसर को पाई में ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई आपको मदद नहीं करने वाला। पाई एच स्क्वायर एच कितना बेटा वह ठीक है एच आपको ठीक है, तो चलो बाद में पुट करता हूँ मैं एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी है ना, तो भी डी एच बाई डी टी सही है क्या बन गया मेरा ये कट जाएगा बेटा ऐसे कितना हो जाएगा 3 पे जाएगा ना ये ओके 1/3 पाई एच स्क्वायर सही है। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट व्हेन व्हेन हाइट इज 4 चार सौ 16 3 48 ठीक है आप लिख लें हैंस हाइट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या ये बात सही है ना, हाइट तो एक आपका लेंथ हो गई ना बेटा, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, वॉल्यूम आएगा क्यूबिक यूनिट्स में ठीक है। अच्छा बेटा सुने मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है ठीक है, मान लो ये मेरा है कॉस्ट ठीक है, मुझे कॉस्ट फंक्शन दे रखा सपोज ये क्या दे रखा मुझे कॉस्ट, इस कॉस्ट का जब मैं क्या करूँगा डेरिवेटिव तो क्या बन जाएगा वो मार्जिनल डेरिवेटिव ठीक है, मतलब मार्जिनल बेटे वैसे मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करने से है ना, जब एडिशनल यूनिट्स यूज करने से ठीक है कॉस्ट में क्या चेंज आता है उसे बोलते हैं मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट ठीक है, तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे ना आपको डेरिवेटिव करने के बाद क्या मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ओके। जैसे इसी प्रकार से अगर आपको दे रखा है रिवेन्यू कॉस्ट को डिनोट करते हैं सी से आमतौर पर जैसे मर्जी कर सकते हैं लेकिन आमतौर पर ठीक है, कॉस्ट को सी से रिवेन्यू को हम आर से डिनोट करते हैं, मान लो ये है 4x² समथिंग ऐसे है, तो dr by dt इस रिवेन्यू फंक्शन का जब मैं क्या कर दूंगा डेरिवेटिव तो मेरे पास क्या मिल जाएगा मेरे पास मिल जाएगा है ना क्या मिल जाएगा dr by dt यानी के मार्जिनल रिवेन्यू ओके। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसको नोट कर लें, ये तो बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन है, सुन लो बेटा जल्दी से, आपको टोटल रिवेन्यू गिवन है ठीक है, टोटल रिवेन्यू क्या गिवन है लिख दूं इसको 13x² + 26x + 15 है ना, मुझे क्या गिवन है टोटल रिवेन्यू, मुझे निकालना है मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एट x कितना हो 7 हो सही है, तो बड़ा सिंपल है, तो अगर ये रिवेन्यू है तो ये क्या हुआ मार्जिनल रिवेन्यू है ना, लिख लो मार्जिनल ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज में इसके बाद ना छोटे मोटे क्वेश्चन बच गए हैं तो आप खुद ट्राई कर लें 26x + 26 ओके बेटा 26 कॉमन आ गया, मार्जिनल रिवेन्यू
कब? जब मेरा एक्स क्या होगा? 7, सही है। 7 में से कितना बन गया बेटा? 8। ओके, जो रुपीज़ वगैरह जो भी है आपका यूनिट, ठीक है, आप यूनिट लिख लें। और एक आधा बढ़िया क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन, ठीक है, चलो अनदर बुक से क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। आप जो भी रेफरेंस बुक ट्राई कर रहे हैं वहां से ट्राई करें, आप लिख लें। अच्छा, वाटर इज लीकिंग, वाटर इज लीकिंग, वाटर परिंग तो उसमें पानी आ रहा है, वाटर लीकिंग मतलब बाहर जा रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। ओके, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम ए कोनिकल फनल, ठीक है बेटा, फ्रॉम ए कोनिकल फनल। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, एक मिनट, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम ए कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ, ठीक है बेटा, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, इस रफ्तार से उस कोन से पानी बाहर जा रहा है। ओके, तो लिख लें बेटा इसके बाद आप, इफ द रेडियस ऑफ द बेस, भाई लिखने में आप आलस ना करें बेटा, लिखते रहे, ऑफ द फनल, अच्छा 5 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्यूब है, फनल इज ऑफ द फनल, ठीक है, इज 10 सेंटीमीटर, ये क्या है फनल का रेडियस, 10 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड मीन्स इट्स हाइट, ओके, एल्टीट्यूड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, सही है, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट लेंथी है, सोल्यूशन तो बहुत छोटा है इसका। वेट ए सेकेंड, ओके बेटा, जल्दी से आपसे नोट डाउन करें और समझें ध्यान से। आपके पास क्या है बेटा? एक कोनिकल फनल, ऐसे ना कीप जिसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे कीप टाइप कह सकते हैं, कोनिकल फनल, एक कोन आपके पास, उसके बॉटम में, ठीक है बेटा, इसके बॉटम में क्या हो गया? एक छेद हो गया, और वहाँ से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, ऐसे है ना, पानी बाहर निकल रहा है, तो वॉल्यूम बेटे घटेगा या बढ़ेगा? वॉल्यूम इसका घटेगा, यानी रेट ऑफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, है ना, तो आपका जवाब क्लियर होना चाहिए कि सर ये नेगेटिव होगा, है ना, वो ओके बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि पानी कम हो रहा है ना कि वो बढ़ रहा है। ओके, तो बेटा जिस रफ्तार से पानी क्या जाएगा? बाहर जाएगा, उतनी स्पीड से क्या होगा? इसका वॉल्यूम कम होता रहेगा, यानी कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या है? -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सही है, ओके, अच्छा लिखते रहना, लेट वी विद वॉल्यूम, आर विद रेडियस, एच विद हाइट, ओके, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल, रेडियस कितनी बेटा इसकी? 10, अच्छा मेरी बात ध्यान देना एक बार आप, ये देखो, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल है ना कितनी है? 10, हाइट कितनी है? 20, कौन का है बेटा? सुनो ध्यान से, रेडियस क्या है? 10, और ये पूरी हाइट कितनी है? 20, सही है बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये स्टार्टिंग वाले का है, पूरे कोन का रेडियस 10 एंड हाइट कितनी बेटा इसकी?
20, ओके। अब आप थोड़ा ध्यान दें मेरी बात पर, एक मिनट। अच्छा मान लो बेटा एक टाइम के बाद पानी कम होता होता इस पोजीशन पे आ गया, सही है? पानी कम होता होता कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया, सही है बात? ये आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना बेटा, ठीक है। तो आप ये देखें, उस दौरान जो उसका रेडियस था ना बेटा, मेरा आर क्या है? वेरिएबल रेडियस जो वेरिएट कर रहा है, और एच क्या है? वेरिएबल हाइट जो घट रही है, ओके। पूरे कोण की हाइट तो बेटा 20 है, रेडियस कितनी है? 10, लेकिन ये पूरे कोण का है, ओके। इस टाइम पर जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो पानी है उसका रेडियस नहीं मुझे पता कितना है, उसका हाइट नहीं मुझे पता कितना है, तो मैंने क्या मान लिया? आर। अब आप ये देखें आर वाई एच, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ओ ए बी, ये पी ये क्यू, ओ टू क्यू, ओ ए बी, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हैं? यस, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल। ध्यान देना, बेस बेस दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि दोनों का थीटा क्या है? सेम। दोनों का टेन थीटा बराबर आएगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आर कितना है? एच दस है, ये पूरा कितना है? 20। आई होप कि ये आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपको आ भी रहा होगा शायद। तो मेरा एच क्या बन गया बेटा? एच बाय टू, क्या बन गया? एच बाय टू, है ना, ओके। बड़े ध्यान से दोबारा फिर से करते हैं, वी है ना, डी वी बाई डी टी की बना है। वी क्या होता बेटा? 1/3 πr² h, है ना। अच्छा सुनो, मुझे निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, जिस मुझे क्या निकालना है? dh by dt। तो बेहतर ये रहेगा कि आप हर टर्म को h में कन्वर्ट कर लें, है ना। मेरा h क्या बन गया? r क्या बन गया? h by 2, h by 2 का स्क्वायर h, ठीक है। ये कितना बन गया भाई? 12 बन जाएगा ना, pi h क्यूब। अब आप क्या करें, डेरिवेटिव dv by dt, 3 आगे जाएगा, 4 बन जाएगा ना, एच स्क्वायर, सॉरी माइनस कहाँ से आ गया? माइनस तो बाद में आएगा, 3 आ गया, कट जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दे, मुझे ये टर्म गिवन है ना, ये री रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मेरे को गिवन है, -5, सही है। अच्छा चलो, यानी डी एच बाई डी टी क्या बन गया आपका? -20 πh², है ना, आपका ये आ गया बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। लेकिन आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये आपने आई होप कि नोट कर लिया आपने, ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है सुनो, इसकी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपको dh by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट किस पॉइंट पर निकालना है? जहां पर जाए 5 सेंटीमीटर लेकिन टॉप से, है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है तो क्या ऊपर से लगता है 5 सेंटीमीटर हाइट है? नहीं, हाइट की हमेशा लगते हैं ना, तो इसी तरह टॉप से हाइट कितनी रह जाए? 5, लेकिन पानी की क्या बनेगी? पानी की हाइट तो 20, पूरी हाइट कितनी है? 20 में से 5 गया। देखो ये बोल रहा है जब हाइट ऊपर से 5 रह जाएगी तो नीचे से हाइट कितनी हो गई? 15। तो आपको पुट करना है एच को 15, कितना बन जाएगा भाई? ठीक है 45 πr, ओके। आप क्या लिखेंगे? हैंस हाइट इज डिक्रीजिंग, हाइट कहो या वाटर लेवल कहो, अरे वाटर लेवल क्या होगा, हाइट तो होगा। हाइट इज डिक्रीजिंग एट
द रेट ऑफ 4/45 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। जब आपने डिग्री दिया तो आप नेगेटिव क्यों लगाओगे? ठीक है, डिग्रीज का मीनिंग अपने आप सेंस बनता है कि नेगेटिव में बढ़ रहा है। सही है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, आप एक और नोट करें। ठीक है, ये बल्कि थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आप लिख लें। वन मिनट, हाँ लिखें। ए मैन 160 सेंटीमीटर, ठीक है, ए मैन 160 सेंटीमीटर टोल वॉक्स अवे, मतलब दूर जाना। ठीक है, ओके, वॉक टुवर्ड्स मतलब उसके पास जा रहा है, वॉक्स अवे मतलब दूर जा रहा है। अवे फ्रॉम ए लाइट सोर्स, लाइट लिखते रहे, लाइट सोर्स सिचुएटेड, है ना, सिचुएटेड कहाँ गया, एट दी टॉप ऑफ ए पोल, ठीक है, पोल 6 मीटर हाई। ठीक है, इसे एक ना पोल है, उसके ऊपर क्या वो लगा हुआ है, एक बल्ब, ऐसा होता है ना, स्ट्रीट बल्ब होता है, खंबे के ऊपर एक लाइट लगी हुई है, और खंबे की हाइट कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, लिख रहे हैं आप 6 मीटर। एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड, सही, हाउ फास्ट इज द शैडो ऑफ या लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग व्हेन ही इज 1 मीटर अवे, 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। बेटा ध्यान से एक बार पढ़ लें इसे, ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि बच्चे से पढ़ ही नहीं पाते हैं, ओके, ध्यान से पहले पढ़ना सीखें इसे, ओके। हाँ अब लिखना स्टार्ट करें भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है मेरा, देखो ऐसे, सपोज यहां पे क्या है, लाइट पोल, और यहां पे कौन है, पर्सन, आपको समझ में आ रहा है, एक आदमी है, एक पर्सन खड़ा है, उसकी हाइट कितनी है, कहां गई, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, सब कुछ यहां पर मीटर में है, तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा ना, उससे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करें, 1.6 मीटर, सही है, आदमी का हाइट कितनी है, 1.6 मीटर, क्या खड़ा है, पोल, क्या खड़ा है, एक लाइट पोल, यहां पर क्या है, बल्ब लग रहा हुआ है, ठीक है, एक बल्ब लगा है, तो बल्ब की रोशनी आदमी के सिर के ऊपर, और आदमी की रोशनी कहां पड़ी, कहां पड़ी, आगे, है ना, देखो लाइट आगे आपका ऐसा नजर आएगा, ओके, यहां पर क्या आपका पोल, पोल का हाइट कितना है, 6 मीटर, पोल का इस आदमी के ऊपर पड़ी आगे, तो आदमी की जो शेडो है ये कहां पर आएगी, यहां पर, ठीक है, तो इसे क्या मान लू मैं, इसे मान ले एक्स, एक्स वाई जो दिल करे मान लो, बुक में कभी एक्स है कभी वाई है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मान लिया, ओके, नाम दे दें, ए बी सी डी ई, सही है बेटा, तो आदमी की हाइट कितनी है, 1.6, इसकी हाइट कितनी है बेटा, पोल की 6 मीटर, ओके, रोशनी आगे गई, इसकी शैडो गई आगे, ओके, अब थोड़ा ध्यान देना मेरी बात, इस बात पर, ये वाई आपने क्या मान लिया, पोल के और पर्सन के,
पोल के और के दूरी है, सपोज मैं यहाँ पर हूँ, जो दूरी है वो वाई मीटर और मेरी शैडो की लेंथ कितनी है एक्स मीटर, सही है। अब थोड़ा और ध्यान से पढ़ना, मैन वॉक्स अवे, ये आदमी यहाँ से और दूर जा रहा है, और क्या जा रहा है दूर। अब दूर जाएगा तो वाई क्या होगा चेंज होगा, और अगर आगे जाएगा तो इसकी शैडो भी क्या बनेगी वो भी चेंज होगी, सही है। अब जितनी रफ्तार से दूर जाएगा आदमी, जितनी स्पीड से दौड़ेगा उतनी स्पीड से क्या होगा उसके और पोल के बीच की दूरी क्या होगी वो बदलती रहेगी, ये बात सही है ना। तो पोल के और आदमी के बीच में दूरी बढ़ने का रेट क्या होगा, जितनी स्पीड से आदमी आगे जाएगा, है ना। अब देखो इस स्पीड से आदमी आगे जा रहा है, इस स्पीड से क्या होगा मेरा वाई चेंज हो जाएगा, यानी कि यानी मेरा डी वाई बाई डी टी क्या गिवन है 1.1 मीटर पर सेकंड। मुझे निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो, अब शैडो कितनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी, यानी कि डी एक्स बाई डी टी निकालना है, क्या निकालना है डी एक्स बाई डी टी, शैडो का रेट ऑफ चेंज, लेकिन कब, लेकिन कब, जब आदमी के और पोल के बीच की दूरी कितनी रह जाए 1 मीटर, यानी आदमी के और पोल के बीच का गैप कितना रह जाएगा बेटा 1 मीटर, यानी आपके वाई को क्या होना पड़ेगा 1 मीटर, सही है। बस ये बात क्लियर हो चुकी है आई थिंक। तो बेटा सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका, सॉल्यूशन इसका बेटा बहुत इजी है, बस आप स्टेटमेंट को पढ़ने में सारा ध्यान लगाएं अपना, ठीक है, समझें बात को। ई डी सी, ई बी ए, ई डी सी, ई बी ए, क्या ये ट्रायंगल्स सिमिलर है क्या, यस सिमिलर है ना, 90 90, सही है। अच्छा और एंगल डी ई सी बी ई ए, दोनों सेम हो गए तो दो एंगल तो बराबर ही हो गए, ट्रायंगल कैसी बन गई सिमिलर, आप लिखेंगे ना सिंस। अच्छा जल्दी कर सकते हैं आप इसे, ठीक है, फिर भी लिख लें, सिंस ट्रायंगल ए डी ए बी, सॉरी ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, इनका रेशो क्या होगा बराबर, यानी कि 6/6 में, है ना, परपेंडिकुलर ये और बेस यहाँ से तक सारा एक्स प्लस वाई, ओके परपेंडिकुलर ये बेस ये 1.6/6 में एक्स, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना कितना हो जाएगा 6x, सही है, ये इधर आ जाएगा कितना बन जाएगा 4.4x, सही है 1.6y, ये बात सही है। तो भी पॉइंट आप काट देंगे तो क्या होगा, 4 भी काट देना, उसके बाद क्या बन जाएगा 11x 4y, सही है। ऊपर निकालना क्या है 11 डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, सही है, 4dy/dt, तो भी निकालना क्या था डी एक्स बाई डी टी, और ये कितना है बेटा दिस इज 1.1, सही बात है, क्या बन जाएगा 1.1, इस 11 से कट जाएगा, क्या आएगा बेटा 1/10, 4/10 आ जाएगा ना, यानी कि 0.4, ओके, हैंस द शेडो ऑफ द मैन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, आप लिख लें हैंस द शेडो ऑफ द पर्सन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, ओके सही बात है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये।
तो जल्दी से आप नोट डाउन कर ले, सेम ही क्वेश्चन है मेरे लगभग ऐसा, ठीक है? लेकिन वो क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिख ले। ए मैन 2 मीटर, इस बार हाइट कितनी है 2 मीटर हाई, वॉक्स, ठीक है, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक लगातार फिक्स रफ्तार से वो चल रहा है, ठीक है, स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, पर आवर अवे, सही है, अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट, लिख लो बेटे लैंप पोस्ट 6 मीटर हाई, ठीक है, क्या है उस लैंप पोस्ट की ऊंचाई, ओके, फाइंड द रेट, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजिंग, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, यही निकालना है, ओके, लिख ले बेटा एग्जाम्पलर, नहीं एग्जाम्पल है बेटा ये, ठीक है, एनसीईआरटी आपकी बुक का क्या है, एग्जाम्पल है ये, और अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल सेम है, ओके, तो बेटा लिख लें इसे आप, वेट ए मिनट बेटा, एक मिनट वेट करें, हाँ जल्दी से लिखें, ये देखो क्वेश्चन फिर से वही है, सोल्यूशन भी वही रहेगा, सही है, एक आदमी है ना, हाइट कितनी बेटा 6 मीटर, सही है, 6 मीटर हाइट है उसकी, और नहीं हाइट सॉरी आदमी की हाइट है 2 मीटर, 6 मीटर तो बहुत लंबा आदमी हो जाएगा, ओके, आदमी की हाइट कितनी है 2 मीटर, और पोल की हाइट कितनी है 6 मीटर, पोल से रोशनी गई बंदे के ऊपर, बंदे की शैडो बनी आगे जाकर, ओके, तो शैडो की लेंथ क्या मान लूँ एक्स, पोल के और आदमी के बीच का गैप जो है वो मैंने मान लिया वाई, ए बी सी डी ई, ठीक है, लॉजिक फिर से वही, परपेंडिकुलर, अच्छा बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि ट्रायंगल कैसी है बेटा, सी ई डी ए ई बी है ना, कैसी है सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, तो लिखना है काम अपना आप करते रहना आप, अच्छा जितनी स्पीड से दूर जा रहा है तो ये क्या होगा, उतनी स्पीड से आदमी के और पोल के बीच की दूरी क्या होगी चेंज, तो यानी कि डी वाई बाई डी टी क्या है मेरा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आप चाहें तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें, सही है, मीटर में कन्वर्ट कर दें, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, निकालना क्या है डी एक्स वाई डी टी, तो बेटे बहुत आसान है, अगेन क्या होगा ट्रायंगल बी ए ई डी सी ई, सही है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है भाई 6 बाय x + y 2 बाय में x, है ना, 6 बाय में x + y 2 बाय में x, हो गया, 3 पे कट जाएगा कितना बन गया 3x x + y, इधर आ गया बेटा ये कितना हो गया, ओके, यानी डी वाई डी टी क्या बन गया 2 dx / dt, है ना, अब बेटे ये आपको गिवन है, ओके, नहीं ये गिवन है आपको dx / dt इज इक्वल टू, ये कितना है 6 बाय में कितना है 2, 3 किलोमीटर पर आवर, क्या ये बात सही है ना, कितना आंसर आपका 3, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है 3 किलोमीटर पर आवर, ओके 3 किलोमीटर पर आवर आपका हो गया ये आंसर, क्योंकि बेटा ये किलोमीटर में थी, किलोमीटर में थी, है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ओके okay?
अब चलो ये आपने नोट कर लिया। मान लो इस क्वेश्चन में मैं आपके सामने एक लाइन और ऐड करता हूँ, कौन सी लाइन? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टिप ऑफ द शेडो, है ना, शेडो का टिप, ठीक है। यहाँ से आदमी चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, टिप मतलब पॉइंट, ठीक है, शेडो का पूरा पॉइंट जो होता है ना, यहाँ तक आदमी चला, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई, ये क्या होगी, टिप की लेंथ, ओके। चलना स्टार्ट यहाँ से किया, यहाँ पे खड़ा है, ओके, कितनी बन जाएगी, x प्लस वाई, ओके। तो आप क्या करेंगे, x बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, है ना, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द टिप ऑफ द शेडो, सही है। आई होप कि आपने इसे आराम से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल्स के बारे में, सही है। तो तब तक आप इस एक्सरसाइज के बेस पर आपसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप बनाइए, उन्हें प्रैक्टिस करिए, सही है बेटा, ओके।